वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फॉर बिगनिंग फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं लेसन 78, जहां पर हम नरेशन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में हमारा जो सेंटेंस हुआ करता था उसकी शुरुआत या तो सब्जेक्ट से होती थी या फिर हेल्पिंग वर्ब से, या फिर इसकी शुरुआत कहाँ से होती थी, WH वर्ड से होती थी। बट फ्रेंड्स, आज की बात मैं आपसे करूं तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य होगा इसमें इम्परेटिव सेंटेंस आएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं क्या कि ये इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जहां पर हम सामने वाले को किसी काम को करने के लिए आज्ञा देते हैं यानी आदेश दे देते हैं, कभी किसी काम को करने के लिए निवेदन यानी आग्रह किया जाता है, कभी किसी काम को करने के लिए उसको सजेशन यानी सलाह दी जाती है, कभी उसको एडवाइस दी जाती है, तो कभी यहाँ पर कमांड किया जाता है। तो माइंड कीजिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस जो होंगे जिसमें कभी ऑर्डर आएगा, कभी सजेशन होगा, कभी एडवाइस होगी, कभी रिक्वेस्ट होगी, कभी कमांड का यूज किया जाता है। अब फ्रेंड्स इसको एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखिएगा मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूँ। आज हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा है ना, इसके सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और उसके बाद क्या लिख के आएगा, ऑब्जेक्ट। और जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो हमें इस सेंटेंस के सेंस को पकड़ कर आगे बढ़ना होगा। एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर मैंने आपसे कहा होता सी सैड टू मी, और उसके बाद क्या कहा उसने, देखिएगा, हेल्प मी प्लीज। यहां पर ध्यान से देखिए, आपके पास सेंटेंस है सी सेड टू मी हेल्प मी प्लीज, यानी उसने मुझसे कहा कि कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हेल्प, और ये क्या होगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद यहां पर क्या लिखा गया, मी, और मी के बाद क्या लिखा गया, प्लीज। तो यहां पर हमारे सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो चुकी है, यानी हमारा सेंटेंस क्या हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। अब सेंटेंस में अगर प्लीज लिखा हुआ है, काइंडली लिखा हुआ है, तो 100% वहां पर क्या रिक्वेस्ट की जा रही है, वो लड़की है मुझसे एक रिक्वेस्ट कर रही है, क्या रिक्वेस्ट कर रही है कि मैं उसकी सहायता करूं। और इस सेंटेंस के आपको सेंस को समझना होगा कि आखिर इस सेंटेंस के अंदर हो क्या रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है, ऑर्डर हो रहा है, कमांड हो रहा है, एडवाइस की बात की जा रही है या फिर सजेशन की बात की जा रही है, क्योंकि इसके सेंटेंस के सेंस को पकड़कर इस सेट को हमें बदलना होगा। यानी कहने का मतलब ये था, ये जो सेट लिखा था मैंने, अगर यहाँ पर ये रिक्वेस्ट का काम किया जा रहा है यानी निवेदन हो रहा है, तो इस सेट को हमें रिक्वेस्टेड में बदल देना होगा, REQUESTED। लेकिन अगर यहाँ पर कोई सजेशन दिया जा रहा है तो इसी सेट को हमें किसमें, सजेस्टेड में बदलना होगा, SUGGESTED। लेकिन अगर यहाँ पर किसी काम को करने के लिए आदेश दिया जा रहा है तो इस सेट को हमें किसमें, ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड में बदलना होगा। लेकिन अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आर्मी की बात आ जाए, यानी कर्नल लिखा है, मेजर लिखा है, मेजर सेड टू मी, राइट, या फिर कर्नल सेड टू मी, ऐसी कंडीशन आ जाए तो कर्नल और मेजर कहाँ पर होते हैं, आर्मी में होते हैं। यानी कहने का मतलब, अगर ये हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें कर्नल मेजर यानी आर्मी को कोई ऑफिसर की बात की जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में याद रखिएगा आपको ऑर्डर नहीं, आपको वहां पर कमांडेड लिखना होगा, COMMANDED। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, कमांडेड। तो फिर समझिएगा, अगर बात आर्मी के और आदेश की जा रही है तो आर्मी का जो आदेश होता है वो क्या, कमांड कहलाता है। और अगर यहाँ पर कोई डॉक्टर आ जाए, कोई टीचर आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर एडवाइस का यूज करना होगा। बट इसके सेंस को समझ के चलिएगा, एडवाइस में क्या होता है कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता, हमें उस काम को करना होता है। बट सजेशन में क्या होता है कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी होता है। सोचिए मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं और उस डॉक्टर ने मुझसे कह दिया कि इस दवा को दिन में 2 बार लीजिए, तो क्या मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है, नहीं, उस दवा को मुझे 2 बार ही लेना पड़ेगा। लेकिन आप मेरे पास आते हैं, आपने 12th पास किया है और आपने कहा आप मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बहुत सारी सलाह दे सकता हूँ, BCA कर लीजिए, BBA कर लीजिए, BA कर लीजिए या फिर BSc कर लीजिए। तो मैंने आपसे कुछ भी कहा हो, आपके पास दूसरा ऑप्शन तो है ना। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमें किसका यूज करना होगा, सजेशन का। बट फिलहाल अगर यहाँ पर डॉक्टर टीचर आ जाए तो आपको समझ के चलना होगा, क्योंकि टीचर हमें ऑर्डर भी कर सकता है और वो हमें एडवाइस भी कर सकता है। बट अगर डॉक्टर लिखा हुआ है तो हमें क्या लिखना होगा, एडवाइस लिखना होगा। तो इस सेट को हमें किस में बदल देना होगा, एडवाइज्ड।
ADVISED. यहाँ पर आप सीन लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, ADVISED, क्योंकि जो ADVICE होता है वो नाउन होता है और उसका मतलब क्या होता है, राय। बट अगर मैंने लिखा ADVISE, इसका मतलब होता है क्या, राय देना। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा, रिक्वेस्टेड। ऐसा क्यों किया, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच किसमें, पास्ट में, तो इस सेट को रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, ऑर्डर, कमांडेड या फिर एडवाइज्ड में हमें इस सेंटेंस के सेंस के अनुसार बदल देना होगा। अब फ्रेंड्स इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी करना होगा। तो मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। अब चूंकि वहां पर प्लीज लिखा हुआ है, यानी 100% सेंटेंस में रिक्वेस्ट का काम किया जा रहा है, तो इस चीज के बाद मुझे क्या लिखना होगा, रिक्वेस्टेड, REQUESTED, सी रिक्वेस्टेड मी। और इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, इसको तोड़ने के लिए हमें क्या लिखना होगा, टू। इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए हम दैट, इफ, या फिर डब्ल्यू एस वर्ड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दैट का यूज हमने तब किया था जब सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट हुई थी। इफ या वेदर का यूज हमने तब किया था जब सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब्स हुई थी, और डब्ल्यू एस वर्ड का हमने यूज तब किया था जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में डब्ल्यू एस वर्ड आया था। लेकिन जब भी हम बात इंपरेटिव सेंटेंस की करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंस की शुरुआत कहां से होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी, तो ऐसे कंडीशन में इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, टू का यूज करना होगा। इसके ठीक बाद जो भी हमारी वर्ब रही होगी उसको कॉपी कीजिए और इस ऑब्जेक्ट को समझिए। वो लड़की है मेरे पास आती है और मुझसे क्या कहती है, वो कि हेल्प मी प्लीज, मैं उसकी सहायता करूंगी। इस मी का जो रिलेशन है वो किससे बनेगा, इस सी से, और सी का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, हर। बस सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। और यहाँ पर जो प्लीज या काइंडली जैसे शब्द आ जाते हैं इनको आपको हटा देना है, इनको तो आपको लिखना ही नहीं, बस इतना ही सेंटेंस इसका बनने वाला था। तो ये थी हमारी क्या, डायरेक्ट स्पीच, और ये हमारी क्या हो चुकी है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब फ्रेंड्स इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको देखिएगा। सी सेड टू मी, और उसके बाद उस लड़की ने क्या कह दिया, शट द डोर। शट द डोर, ऐसा इस लड़की ने मुझसे कहा। अब देखिए अगर उसने प्लीज वगैरह लगाया होता तो क्या कहलाता, रिक्वेस्ट कहलाता, लेकिन उसने ऐसा तो नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। तो इस रिक्वेस्टेड को हटा दीजिए और इसकी जगह मुझे क्या लिखना होगा, ऑर्डर लिखना होगा, ORDERED। और सेंटेंस क्या बनेगा ध्यान से देखिएगा, सी ऑर्डर्ड मी, और उसके बाद इस पूरी स्टेप को यहाँ पर चुपचाप आपको कॉपी कर देना है, टू शट द डोर। तो ये थी हमारी क्या, डायरेक्ट स्पीच, और ये हमारी क्या बन गई, इनडायरेक्ट स्पीच बन गई। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर मैंने आपसे कहा होता, द डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन ट्वाइस इन अ डे, यानी डॉक्टर ने क्या कहा कि दवा को दिन में दो बार लीजिए, तो मैं आपसे क्या कहता, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन ट्वाइस इन अ डे। एक एग्जाम्पल और देखिएगा, आज मैं जब घर से निकल रहा था तो मेरे पिताजी ने मुझसे कह दिया साइकिल से चले जाओ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पापा मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन जा तो मैं पहले से ही रहा था, जाने के लिए तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि साइकिल से चले जाओ। तो जा मैं पहले से रहा था, मैं पैदल जा रहा था और उन्होंने कह दिया साइकिल से चले जाओ। ये क्या हो गया, ये क्या कहलाएगा, हमारा सजेशन कहलाएगा। तो ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इसको डायरेक्ट बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, माय फादर सेड टू मी गो बाय साइकिल। लेकिन अगर मैं इसको इनडायरेक्ट करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, माय फादर सजेस्टेड टू मी टू गो बाय साइकिल। एक एग्जाम्पल और देखिएगा और समझिएगा, द मेजर सेड टू हिज सोल्जर्स शूट देम, तो मैं आपसे क्या कहूंगा, द मेजर कमांडेड हिज सोल्जर्स टू शूट देम। कहने का मतलब यह था कि हमें रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के सेंस को समझना होगा, क्या के अंदर हो क्या रहा है। अगर वहां पर रिक्वेस्ट हो रही है तो सेड को रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर हो रहा है तो सेड को ऑर्डर में, अगर बात आर्मी की हो रही है तो सेट को कमांडेड में, अगर किसी डॉक्टर की बात की जा रही है, डॉक्टर ने मुझसे कहा तो मैं क्या करूंगा, उसको एडवाइज में बदल दूंगा। लेकिन अगर मेरा बॉस होगा, जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, द प्रिंसिपल सेट टू हिज प्यून रिंग द बेल, तो प्रिंसिपल ने अपने प्यून से क्या कहा कि घंटी बजा दो। अब प्रिंसिपल क्या करेगा, ऑर्डर ही तो करेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड हिज प्यून टू रिंग द बेल।
और इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए मुझे क्या रखना होगा, टू का यूज करना होगा। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। बट फ्रेंड्स, इंपरेटिव सेंटेंस की बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अगली सीरीज में यानी अगले लेसन में हम देखेंगे कि हमें क्या करना होगा कि अगर इस सेंटेंस की शुरुआत कहां से हो जाए, डोंट से हो जाए। यानी अगले सीरीज में हम देखेंगे कि हमारे सेंटेंस की शुरुआत डोंट, वी वन और ऑब्जेक्ट से होगी। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।